हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज हम आपको सिखाएंगे कि सीटी स्कैन हेड इंजरी के केस में कैसे सॉफ्ट टिश्यू के साथ बोन विंडो के साथ फिल्म बनाई जाती है 42 के फॉर्मेट में 6x7। ये जी का 16 स्लाइस सीटी स्कैन स्कैनर है, ब्रीवो 385। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो स्कैन की हुई जो इमेजेस होती हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, इसको व्यूअर में देख लेते हैं कि कोई लीजन वगैरह तो छूट नहीं रहा है। अगर कोई चोट की हिस्ट्री है तो फिर कोई छूट तो नहीं रहा। उसको देखने के बाद हम लोग फॉर्मेट के हिसाब से इमेजेस को तैयार करते हैं, जो कि रिकॉन में आप नहीं देख रहे होंगे 120 इमेजें हैं, 120 इसको हम लोग रिफॉर्मेट में खोल के सीधा कर लेते हैं। और उसके बाद फिल्में 20 बना के, ये देखिए, जैसे कि हमने इसको फिल्मर में डाल दिया, 6x7 का फॉर्मेट लगाया और 42 का हो गया। इसमें हमने स्काउट छोड़ दिया है, स्काउट हम लोग अभी बाद में डाल देंगे, पहले भी डाल सकते हैं, पहले भी डालते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको फिल्मिंग कर दिया, फिल्मिंग पे क्लिक किया और ये नीचे आ गया। यहाँ से इसको कट कर लेंगे हम लोग और ये यहाँ पे कॉपी करके इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारा स्काउट आ गया। अब क्या करेंगे, हम वापस जाएंगे अपने फिल्मर पे और जो 21 इमेजें बोन विंडो की हैं उसको भी व्यूअर में खोल के देख लेंगे, ओपन कर लेंगे। बिल्कुल सीधी इमेजेज हैं। अगर आपका स्कैन टेढ़ा मेढ़ा होता है तो आप रिकॉन के थ्रू रिफॉर्मेट में जाके खोल के उसको सीधा कर सकते हैं। फिर इसको भी फिल्मिंग कर देंगे और फिल्मिंग करने के बाद सबसे पहले हम स्काउट को एडिटर में जाके जूम कर लेंगे और उसका कंट्रास्ट सेट कर देंगे। ये देखिए, जैसे कि स्काउट ये बड़ा कर दिया गया। उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और पहली इमेज को पकड़ क्लिक करके और शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट में इमेज है उस पर क्लिक करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने पहले इमेज पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। इसके बाद अगर सभी को एक साथ जूम करना है तो फर्स्ट एंड लास्ट इमेज फर्स्ट पे क्लिक करके शिफ्ट दबा के लास्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। देखिए, सारा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम बीच में एक जो सबसे बड़ी इमेज है उसको जूम कर देंगे और जूम कर देंगे, देखिए सारी इमेजेस जो हैं आपकी सब बराबर से आ गई हैं। देखिए, बोन विंडो भी आपकी बराबर है, सॉफ्ट टिश्यू। उसके बाद हम इसको अगर प्रिंट करना, क्योंकि मैं इसकी फिल्म प्रिंट कर चुका हूँ इसलिए मैं प्रिंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, मैं इसको हाइड कर दूंगा। थैंक यू।